नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। जनपद अमरोहा के गजरौला नगर पालिका परिषद के मोहल्ला मायापुरी वार्ड क्रमांक 8 में रहने वाले रहवासियों ने नगर पालिका गजरौला के खिलाफ जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद गजरौला को कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश की नंबर 1 स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया था, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। गजरौला के मोहल्ला मायापुरी वार्ड क्रमांक 1 में रहने वाले लोगों ने आज नगर पालिका के खिलाफ जमकर हंगामा करते हुए बताया कि ये रोड काफी समय से टूटी हुई है, जिस वजह से गंदा पानी और कीचड़ भरा हुआ है, जिससे मोहल्ले वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मायापुरी वार्ड मेंबर धर्मेंद्र सिंह ने कई बार शिकायत की, लेकिन फिर भी रोड नहीं बनी, ना ही पानी की निकासी हुई, जिससे वहां भरे पानी से आसपास के घरों में काफी बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन नगर पालिका इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रही। प्रदर्शन करने वालों में सुमन त्रिवेंद्र शुक्ला, भीम सिंह, हरि राजमिस्त्री, रूपराम, साधना गुड्डी, माया लक्ष्मी देवी, नीतू मुन्नी, सोनम प्रीति, अंकित पप्पू, राहुल गुर्जर आदि मौजूद थे। हमने कही थी मेंबर से कि हमारी तरफ सुधरवाओ, तो कह रहे हाँ सुनवाई करेंगे, और फिर उन्होंने कोई सुनवाई ना करी, ना इधर से कोई देना आता, कोई ना अधिकार ने आता। हम खुद ही अपने हाथ से ना निकालते हैं, अपने हाथ से झाड़ू लगाते हैं सड़क पर, और सब में पानी भरा पड़ा, बीमारी दौड़ती है। मायापुर से बोल रहे हैं, जो कि वार्ड मेंबर साहब हैं, उनका नाम क्या है? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था बाद में? उन्होंने कही थी हाँ हो जाएगी सड़क, फिर उन्होंने ना कोई सुनवाई हमारी नहीं करी। उस समय पानी भरा पड़ा, सबको बीमारी, बच्चों को दौड़ती है। प्राइम न्यूज 24 के लिए गजरौला से प्रदीप कुमार प्रजापति की रिपोर्ट।